अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सीरीज आर्टिकल्स बाय मैरी। आज मैं आप लोगों के लिए और रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स पर एक्सैक्ट अप्रोक्सीमेशन के थ्रू लेकर आई हूँ तीनों सरफेसेस की डेरिवेशंस। ठीक है, ये थोड़ा बैचलर लेवल का ऑप्टिक्स का जो कोर्स है उसमें ये यूज़ होते हैं। मैंने सोचा साथ साथ थोड़ी हायर लेवल की भी चीज़ें आप लोगों को बताती जो जो मेरे हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं बैचलर के, तो उनको मतलब ये जो डेरिवेशंस है ना ये इजीली अवेलेबल नहीं होती इंटरनेट पे। तो मैंने सोचा मैं डिटेल्ड आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करने में या देखने में। अच्छा, चलते हैं रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स की डेरिवेशन फ्रॉम प्लेन सरफेस। आप देख सकते हैं प्लेन सरफेस में यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक प्लेन सरफेस ड्रॉ की जो कि ये ब्लैक सी है, सही है। अब यहाँ से एक लाइट रे आ रही है जो कि इंसिडेंट है और ये लाइट रे जा रही है, मींस रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट होके बेंड होके जा रही है। हमने सबसे पहले अज्यूम किया थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सही है। अच्छा, जब थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हमने कर दिया अज्यूम, तो हम लोगों ने इसको y1 इज इक्वल टू y2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं y1 और y2 क्या है। y1 इज द डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से मिड पॉइंट से लेकर नीचे तक का जो डिस्टेंस है ये y1 हो गया, डिस्टेंस y1, सही है। ये डिस्टेंस है y1, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 डिस्टेंस है, ठीक है। y2 मींस के डिस्टेंस जो यहाँ से कवर हुआ है और जो यहाँ से कवर हुआ है वो दोनों हम बराबर है रिफ्रैक्शन के केस में, सही है। एन वन इज द सर्फेस, ठीक है जी। एन वन यहाँ पर मेरे पास सर्फेस है जो कि यहाँ आप देख सकते हैं सर्फेस एन वन, ये एन वन और एन टू, ठीक है। एन वन मीन्स कि एक कोई भी सर्फेस है जो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका स्मॉल है या लार्ज है, दैट डिपेंड्स के ये टूवर्ड द नॉर्मल डिपेंड हुई है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिपेंड हुई है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ है n1 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन सरफेस एंड n2 इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड सरफेस। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, y1 इज इक्वल टू n1 sin थीटा 1। अच्छा जी, n1 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, थीटा 1 यहां से जो बन रहा है आई वाला, सही है। और y2 मींस डिस्टेंस 2 हमने इसको इस टर्म में लिख दिया, 1 2 इनको हमने लेट कर लिया, दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया, n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2, सही है। मैंने ये कुछ पैराग्जियल अप्रोक्सीमेशन के नाम से यहाँ पे एक साइड छोटी सी एक हिंट लिखी है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, इसको स्टार कहती है, ठीक है। उस स्टार को मैं यहाँ पर यूज करते हुए साइन थीटा को थीटा के इक्वल पुट करके थीटा वन और थीटा टू कर दूंगी, फिर मैं थीटा टू को आइसोलेट करके यहाँ पर एन टू को डिवाइड कर दूंगी। लेकिन मैंने शुरू में जिस तरह अज्यूम किया था कि थीटा वन जो है वो इक्वल है, ये थीटा वन जो है वो लैम्डा के इक्वल है, तो यानी कि थीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा वन एंड थीटा टू इज इक्वल टू लैम्डा टू। फिर मैंने यहाँ पे वाई वन की कोई टर्म नहीं है मेरे पास, तो उसका कोफिशियंट जीरो बनाकर इस तरह से लिख लिया इस लैम्डा टू को। लैम्डा टू बेसिकली क्या है, लैम्डा टू हमारे पास एक सरफेस कोफिशियंट है, ठीक है। हमने इसको n1 और लैम्डा 1 के इक्वल करना है, मींस के इसको y1 और लैम्डा 1, ये लैम्डा 2 और जो y2 हैं ये दूसरी सरफेस के कोफिशिएंट्स हैं जो कि हमें पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन में इसका डिस्टेंस और एंगल कैलकुलेट करने में मदद करेंगे, और लैम्डा 1 और y1 फर्स्ट सरफेस के रिस्पेक्ट से हैं, ठीक है। हमने लैम्डा 2 निकालना है और लैम्डा 1 भी निकालना है। लैम्डा 2 में निकालने के लिए मैंने ये कर दिया, लैम्डा y2 अब निकालने के लिए किस तरह, y2 हम सपोज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास y2 जो है 1 y1 और 0 लैम्डा 1। अब ये 1 y1 मैंने कहाँ से लिख दिया, देखें दूसरे वाले जो सरफेस है उसमें से लैम्डा 1 जो है उसकी तो कोई टर्म नहीं होगी हमारे पास क्योंकि y2 इज इक्वल टू y1 था, ये मैंने जिस तरह यहाँ पर लिखा है y2 इज इक्वल टू y1, सही है। अब y2 is equal to 0, y2 is equal to 1 y1 लिख सकती हूँ ना मैं, और lambda 2 की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने 0 lambda 1 इन कोफिशिएंट 0 कर दिया। अब इन दोनों हाइलाइटेड पोर्शंस को मैंने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि इनिशियल जो रे है उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जाके जो रिफ्लेक्शन होगी वो y2 और थीटा 2 की सूरत में होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इसके कोफिशिएंट्स लिखना शुरू किए हैं, y2 लिखा हुआ है मींस के y2 के साथ 1
और लैम्डा 1 के साथ 0 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब लैम्डा 2 के साथ 0y1 यहाँ पे 0 लिख दिया और n1 by n2 यहाँ लिख दिया। यहाँ लैम्डा के कोफिशियंट्स आते हैं और यहाँ y के कोफिशियंट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव सरफेस। इसका हम मैट्रिक्स किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कर्व सरफेस ले ली है जो कि कन्वेक्स है। ये एक नॉर्मल रे आ रही है और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, सही है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, आप कह रहे होंगे ये ए से ट्रांसफर होकर बिल्कुल सीधी चलेगी, एक्चुअली ये यू है, ये डॉटेड जो है ना ये है, लेकिन हमने चूंकि इसको इस तरह से ले लिया है तो बात वही एक होती है, ठीक है। अगर हम इसको ये डॉटेड वाली को लें और एक ही ब्लू लें, या एक ये ग्रीन लें और यहाँ डॉटेड वाली लें, एक बात है, ठीक है। ये इन दोनों को लाइन क्रॉस करी है। अच्छा, स्नेल्स लॉ, n1 इज इक्वल टू साइन 1, n1 साइन 1 इक्वल टू n2 साइन 2, i और साइन r, सही है। पैराक्सिल अप्रोक्सीमेशन क्या लगाई है मैंने यहाँ पे, साइन थीटा i इज इक्वल टू i, साइन r इज इक्वल टू r। अच्छा जी, चलते हैं, n1 i इक्वल टू n2 r। n1 को अल्फा i टोटल था, ये सारा i था, ये सारा r था, सही है। अब i किस किस से मिलके बना, अल्फा 1 और थीटा 1 से, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। r किस किस से मिलके बना, अल्फा 2 और थीटा 2 से, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन की, n2 अल्फा 2 को एक साइड पे कर लिया और बाकी सारी वैल्यूज एक साइड पे कर ली। अच्छा जी, n2 अल्फा 2 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 और n2, वो मैंने यहाँ लिख दिए। n1 अल्फा 1 इज लैम्डा 1 और ये फाइ n1 माइनस n2, ये वो हमने जब सेपरेट किया था तो तब आया था। अच्छा जी, ये phi यहाँ पे किस तरह से आया? अब ये जो phi है, ये phi यहाँ पे आता है, ठीक है, इस तरह बनता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको यहाँ से लें, ये सारा ट्राइंगल, ठीक है, इसमें tan होता क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, अच्छा जी, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है सारा y1, ठीक है, और ये सारा क्या है r, तो y1 ओवर r और tan थीटा, ये जो ये phi tan phi इज इक्वल टू y1 ओवर r, ठीक है, ये मैंने tan थीटा बना दिया। अब tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है यानी phi, तो उस phi की जगह मैंने ये जो tan की वैल्यू है वो यहाँ स्विच कर दी, y1 डिवाइडेड बाय r n1 माइनस n2, ठीक है। अच्छा, इस r को मैंने इन दोनों के नीचे रख लिया और y1 को इसी तरह साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो आपको फैक्टर नजर आ रहा है, इसको पावर ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ p के इक्वल लेट कर दिया और यहाँ मैंने इस पूरे फैक्टर की जगह जहाँ y1 लिखा था, y1 के साथ मैंने इस फैक्टर की जगह p लिख दिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज बनी है, क्या बनी है, 1 लैम्डा 1 माइनस पी, ये सारा p और y1, उसी तरह y2 की वैल्यू मैंने सपोज कर ली क्योंकि y2 equal to y1 था, यहाँ लैम्डा आता है, एग्जैक्टली लैम्डा 0 लैम्डा 1, दैट इज नॉट y। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट सारा सेम है, बस एक ये माइनस कन्वेक्स है ना, कनकेव है तो माइनस r हो जाएगा, उसी को आप यहाँ y1 ओवर माइनस r कर देंगे और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आप प्लस पी हो जाएगा, ठीक है, माइनस पी नहीं होगा और ये साइन उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे तो ये आपका कनकेव का भी हो गया। सिमिलरली मैं आपको रिफ्लेक्शन तीनों सरफेसेस से दिखा दूंगी, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लें, एंड अगर साथ में कोई आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो मैं आपको साथ ही रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।